अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैंने इस कंटेंट पर बहुत ही वीडियोस बना चुका हूँ, मगर उसमें क्या था कि बहुत मेहनत करना पड़ती थी। बैकग्राउंड रिमूवल मैं आपको बता भी दूँ, टाइटल में लिखा भी हुआ है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है, मगर जो मैंने दूसरी वीडियोस बनाई थी उसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ती थी। मगर ये इस वीडियो में सिर्फ आप एक ही क्लिक पर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। चेंज दूसरे एप्लीकेशन से होगा, वो भी एक ही क्लिक पर। ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इंस्टा स्क्वायर एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसका। इंस्टा स्क्वायर ओपन कर देनी है इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यही एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसमें मौजूद है। ये नेट ऑन होगा तब वर्क करेगा, यहाँ पर जब ऑन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है स्पायरल में जाना है, एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। स्पायरल में जाने है, मैं आपको स्पायरल वाला बता देता हूँ कि कैसा है स्पायरल वाला ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, मगर वो अपडेट पुराना था, अब नया अपडेट आया है, बहुत ही सारे फंक्शंस नए आए हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं आप, खुद ही से ही चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इफ़ेक्ट्स जो है स्पायरल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर वाला। यहाँ पर आगे आप जाकर आप इस तरह जूम करके भी इसको बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, आपके पिक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप यहाँ ये वाला इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छे इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ये बेस्ट एप्लीकेशन है। बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है ये एप्लीकेशन मैंने। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। वीडियो अभी लाइक नहीं करना, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना फिर वीडियो लाइक करना। ये इफ़ेक्ट भी अच्छा है, आप देख सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो आपको बैकग्राउंड चेंज के बारे में। तो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का रिव्यू भी बता दूँ कि कैसी एप्लीकेशन है। तो ये नेट पर ही चलेगी, ये भी बता दूँ आपको, नेट से अगर ऑफ चलेगी तो सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल में ही चलेगी। इस तरह के इफ़ेक्ट्स अगर आप ऐड करना चाहोगे अपनी पिक्स में तो फिर जो है नेट ऑन करना पड़ेगा, नेट पे ही चलेगा, क्योंकि ये इफ़ेक्ट्स नेट से ही डाउनलोड होकर चेंज होती है, इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। हाँ, बैकग्राउंड रिमूवल है वो नेट के बगैर हो जाएगा, आपको प्रूफ के साथ बता दूँगा। ये भी आप देख सकते हैं रिटर्न इफ़ेक्ट्स, आप पीछे की जानिब है, ये नहीं कि ऊपर की तरफ है, सब कुछ पीछे। अगर आप आगे पीछे करोगे तो पीछे ही की तरफ होगा, बैकग्राउंड बिल्कुल भी पीछे नहीं आपके पिक के पीछे। तो हमारा जो मेन मकसद है वो आप देख सकते हैं, मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। एक ये वाला तरीका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये होगा कि उनके जो अपने ही पिक्स होंगे, जो एप्लीकेशन के अपने पिक्स पर आपका बैकग्राउंड चेंज होगा, तो इसमें ये मसला है। जो दूसरा मैं आपको बताऊंगा वो आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मतलब कि गूगल से डाउनलोड करके बैकग्राउंड और अपने पिक का बैकग्राउंड जो है फिनिश करके फिर उसके ऊपर चेंज कर देंगे बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बैकग्राउंड से, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें तकरीबन 7-8 ही बैकग्राउंड थे और अच्छे नहीं थे। अब जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बेस्ट बना दी है इस एप्लीकेशन को, और अभी भी वर्क जा रहा है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी, आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूं कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ किए जाते हैं, बिल्कुल जो है ट्रिक बताऊंगा, जो कोई भी हैकिंग मेकिंग नहीं बताऊंगा आपको, रियल ट्रिक आपको बताऊंगा। तो उसके बारे में पहले आपको बताऊँ, यहाँ पर आपने क्या करना है कि कोने वाले जो ऑप्शन है, जो बड़ा ऑप्शन था उसमें जाना है, या ड्रिप वाले ऑप्शन में, सॉरी ड्रिप वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपने पिक सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर पिक सेलेक्ट, मगर पिक वो हो जो बैकग्राउंड को बिल्कुल ही रिमूव कर दे, यानी प्लेनर बैकग्राउंड रिमूव कर दे। तो आपको मैं बता भी दूंगा कि ये वाला पिक आपको
सेलेक्ट कर दिया मैंने वही वाले ही पुराने। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये लोडिंग थोड़ा सेलेक्ट, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो गया है, बैकग्राउंड बिल्कुल ही रिमूव हो गया, चेंज नहीं हुआ। सॉरी, मैं आपको चेंज का भी बताऊँगा कैसे करना है। और ये इफ़ेक्ट भी आप डाल सकते हैं यहाँ से, ये इफ़ेक्ट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, मगर नहीं, हमने नॉन वाले ऑप्शन में जाना है और सेव कर देना है इस पिक को। इस पिक को सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि पिक्सेल लैब के ऊपर भी मॉब में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ओके पर क्लिक कर देना है, और फिर कॉर्नर पे आना है, वाइट वाले पर क्लिक करना है, और उसके बाद ऊपर जो है थ्री डॉट्स है वहाँ पर क्लिक करके, या जो है वहाँ पर इमेज ओपन कर देनी है, फिर ऊपर प्लस वाले निशान पर क्लिक करके एड इमेज पर क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है, और जो इमेज हमने जो है बैकग्राउंड उसका चेंज किया था यहाँ पर मैंने सेव किया है, तो इसको ओपन करना है इस पिक को। इसको ओपन करने के बाद इसको रीसाइज कर देना है, फुल जो है बैकग्राउंड कर देना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो नीचे आप देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन के साथ जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर आना है, वहाँ पर आगे जाने के बाद यहाँ पर इरेज कलर वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पर यहाँ पर वाइट कलर इरेज हो जाएगा, तो आपने पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करना है और रेड वाले जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक कर देना है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है ताकि जो कॉर्नर पर जो कलर आया हो वो रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो ही क्लिक पर मेरा बैकग्राउंड रिमूव हुआ, सिर्फ दो क्लिक पर, एक फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में और दूसरा इस पे। जो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए थे बैकग्राउंड चेंज, उसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, मगर इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली हो जाता है।